ये जाएगा, ये जाएगा, ये कट कर दीजिएगा। नहीं नहीं, ये हेलो एवरीवन, यूपी पैसेंजर से सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो होंडा SP 160 ये देख सकते हो हमारे सामने खड़ी हुई है, और फिलहाल आज हम इसका टॉप एंड परफॉर्मेंस किसके साथ लेके आए हैं, TVS की रेडर 125, ये जो कि मेरी है सबसे पहली बनारस की बाइक। थोड़ी सी गंदी है मतलब दूर लड़ाके से, बाकी इसमें हमने मोबिल चेंज कराया था अगस्त में, और अभी हाल में ही सर्विस कराया है, तो सर्विस के दौरान हमें इसका मोबिल चेंज नहीं कराएंगे हमारे। तो फिलहाल आज हम इन दोनों का टॉप एंड परफॉर्मेंस देखते हैं, दोनों की आपको पावर स्पेसिफिकेशन ऑन स्क्रीन लिख के आ रही होगी, आप पढ़ लो। फिलहाल वो 160cc है, ये 125cc है, बट इसकी जो टॉप एंड है दोस्तों कहीं ना कहीं 120-125 के बीच में जा रही है, और ये थ्रू स्ट्रीमिंग पकड़ने का दमखम रखती है। तो आज हम आपको एक दिखाने वाले हैं कि क्या दोनों में कोई समानता है परफॉर्मेंस को लेकर या नहीं, और इन केस अगर आप 160 SP और इस पर कन्फ्यूज़ हो तो आपको क्या परचेज़ करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। हालांकि दोनों बेहतरीन बाइक्स हैं अपने अपने कैटेगरीज की, और इसका सबसे ज़्यादा हमें अच्छा लगता है इसका रिफाइनमेंट इंजन का, बहुत अच्छा लगता है। तो फिलहाल आज हम इस वीडियो को शुरू करेंगे, और इनसे आज फिर पूछते हैं हंसी अब अच्छा आप बताइए, ये रेडर है, ये SP है, यही यही जीतेगी। अच्छा अब ये जीतेगी, अब क्यों? N160 जीतेगी। अरे N160 कहाँ है यहाँ पे? N160 है ना? ये क्या बात करते हैं यार, कहाँ N160 है भाई, ये रेडर है। सॉरी वुमेन 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 कट कर दीजिए, ये जाएगा, ये जाएगा, ये कट कर दीजिए। नहीं नहीं, ये जाएगा, ये जाएगा दोस्तों, ये ना कौन जीतेगी, कह रही ये जीतेगी। ठीक 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 है, तो लॉजिक अब समझ गए, का कहना है कि ये जीतेगी, तो आइए शुरू करते हैं रेस को। इसको लगा फिर से बना लीजिए, नहीं नहीं नहीं, ये बता दे, सही है सही है सही है सही है, तो कोई बात नहीं, रेडी करते हैं और देखते हैं। पावर मोड में हम लगा दिए बाइक को, देखना तो फर्क है लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो दोस्तों आपने रेस रिजल्ट देख लिया कि 125 सीसी के हिसाब से ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती है, मतलब अपने सेगमेंट में तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देती है, लेकिन अगर हम होंडा एस पी 160 से कंपेयर करेंगे इसकी परफॉर्मेंस, तो आप देखें कि क्या इसका परफॉर्मेंस आया। बनी हुई थी एक डिस्टेंस पे 114-115 चल रही थी, हालांकि ये वेंट लास्ट का था, मेरे मनीष के वेट का भी अंतर है, पावर उसमें ज़्यादा आया, समथिंग अराउंड 13 का पावर, इसमें 11 का पावर, टॉर्क उसका 14 का है, इसका टॉर्क और घट के समथिंग 11 या 10 पॉइंट समथिंग कहा जाता है 11 का, वेट का अंतर है, हालांकि 124 किलो और ये तकरीबन 146-145 किलो एग्जैक्टली भी याद नहीं है। तो फिलहाल एक अटैम्प्ट हो गया, बीच में इन्होंने मौका भी दिया हमको, बट फिर भी हम जब आगे गए तो ये बाद में आगे चले गए, उसके बाद हाँ कम गैप था क्योंकि इसको टॉप एंड मतलब अपनी स्पीड मिल चुकी थी। तो आइए अब हम चेंज करते हैं डायरेक्शन, फिर देखते हैं क्या रेस रिजल्ट आता है। फिलहाल यहाँ तक की वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अब हम आ रहे हैं SP160 पे और मनीष जा रहे रेडर पे, मनीष अब और हल्के हो जाएंगे और रेडर भी और हल्की, तो उसको कहीं ना कहीं मिलेगा फ़ायदा, प्लस इवेंट लास्ट का डायरेक्शन भी नहीं है। रेस रिजल्ट तो देख ही लिया दोस्तों, लेकिन मेरा क्या हुआ था, देख ही रहे थे कि मेरा 3 गियर लगातार फंसा बैक टू बैक, जिसकी वजह से तुम अगल बगल बने हुए थे, लेकिन फिर भी हम आगे चले गए थे, तुम स्लिप स्टिपिंग नहीं करते तो थोड़ा सा दूर हो जाती बाइक। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से यार दोस्तों देखो, सीसी के हिसाब से तो इसी को जीतना ही था, थोड़ा सा डिफरेंस आया क्योंकि विंड ब्लास्ट और वेट का फ़र्क पड़ जाता है, प्लस मेरा इस अटेंड में एकदम गियर बहुत ज़्यादा फंस चुका था यार। बट फिलहाल आपने रेस रिजल्ट देख लिया कि क्या आया, ये जीत गई आपकी SP160 सीसी में टॉर्क और पावर ज़्यादा है बजाय रेडर के, लेकिन बहुत अच्छी टक्कर दी रेडर ने भी। तो फिलहाल इस वीडियो को यही रैप अप करेंगे, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए हम लोग को, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, टेक केयर, लव यू ऑल, बी सेफ एंड राइड सेफ।